वेलकम दोस्तों, क्या अपना व्हाट्सएप का स्टेटस आप किसी एक पर्सन को दिखाना चाहते हैं? तो फिर चलिए, इसके लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप ऐप में कौन सी सेटिंग करनी है ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए जानते हैं। तो व्हाट्सएप का स्टेटस दोस्तों, अगर आपको किसी एक पर्सन को दिखाना है तो अपने मोबाइल में दोस्तों व्हाट्सएप ऐप ओपन कीजिए। अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर से अपडेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अपडेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर से थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटस प्राइवेसी का। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कीजिए। स्टेटस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग का जो पेज होगा वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओनली शेयर विद का, इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कीजिए। ओनली शेयर विद वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके व्हाट्सएप ऐप में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर से दोस्तों इस ऑल टिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कीजिए। ऑल टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, सभी कॉन्टैक्ट नंबर पर जो टिक होगी वो यहाँ पर से गायब हो जाएगी। अब दोस्तों आपको व्हाट्सएप का स्टेटस जिनको दिखाना है उनके कॉन्टैक्ट नंबर को दोस्तों यहाँ पर से सिलेक्ट कीजिए। आपको एक को दिखाना है या फिर दो को दिखाना है या फिर तीन को दिखाना है, ये यहाँ पर से दोस्तों सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस सेटिंग को सेव करने के लिए यहाँ पर से इस राइट वाले टिक पर दोस्तों क्लिक कीजिए। राइट वाले टिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये जो सेटिंग होगी वो यहाँ पर से सेव हो जाएगी। अब दोस्तों आप व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाओगे वो जो स्टेटस होगा आपने जिन कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको व्हाट्सएप का स्टेटस अगर किसी एक पर्सन को दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।